दुनिया भर में COVID-19 का महामारी का हिस्सा बन चुके हैं और वैसे ही इंडिया COVID-19 सेकेंड वेव के महामारी का लपेट में आ चुका है, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का यानी कि सांस लेने का गंभीरता का लक्ष्य का कारण होता है। करेंटली वर्ल्ड में इंडिया अब सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कन्फर्म केसेस आफ्टर US बन चुका है, जिसमें मोर देन 17 मिलियन केसेस अधिक से सकारात्मक आ चुका है और 24 अप्रैल 2021 तक नियरली अबाउट 2 लाख का मौत का मामला आ चुका है। इन्फेक्शन का रेट सितंबर 2020 के बाद काफी कम आना शुरू हो चुका था टिल दिसंबर जनवरी तक। जैसे फरवरी शुरू हो गया तो वहाँ पे कोरोना का एक्टिव केसेस बढ़ना शुरू हो गया। 22 अप्रैल 2021 को इंडिया ने लगभग 3 लाख से ज्यादा नया एक्टिव केसेस रिकॉर्ड कर दिया है, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सिंगल डे इंक्रीज का रिकॉर्ड बन गया। और इंडिया में जैसे ही सेकेंड वेव आउटब्रेक हो गया, पेशेंट्स सांस की कमी से काफी सफर होना शुरू हो गया, जिससे एक्टिव केसेस डेली राइज होना शुरू हो गया। तो उसकी वजह से इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम देखते रह गया कि अब क्या सिचुएशन आने वाला है, जिसमें ऑक्सीजन का कमी पड़ गया, बेड खत्म होने लगा हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मेडिकल सिस्टम पूरा ब्रेकडाउन होना शुरू हो चुका था। ये स्थिति आज की डेट में इंडिया में देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से काफी डेथ राइज भी हो चुका है इंडिया में। तो यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम का सिचुएशन खराब रह गया, प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक और कोरोना वायरस का म्यूटेशन का जो वेरिएशन है, उसकी वजह से यहाँ पे सिस्टम पूरा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो अब इंडिया में क्या सिचुएशन रहा है ये SARS COVID-2 की वजह से। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूले, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए बात करेंगे सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस के बारे में, जो आउटब्रेक हुआ था मिड फरवरी में और आज के डेट में पूरा लगभग स्टेट्स और यूटी के अंडर में एपिडेमिक घोषित कर चुका है, जिसमें एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का नियम का ऐलान कर चुका है, लीडिंग अ टेम्पररी क्लोजेज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट टिल फर्दर नोटिस। एज इंडिया सम मोर देन 2000 डेथ केसेस आर हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक, जिससे डेथ टोल राइज हो चुका है मोर देन 3 लाख। जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस दिन का बात करेंगे तो द कंट्री हैज मोर देन 2.4 मिलियन एक्टिव केसेस, जिसमें दिल्ली रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर सिंगल डे फैटलिटीज, यानी कि 300 से ऊपर का डेथ केसेस और 26,000 फ्रेश केसेस लॉस हुआ था उस दिन दिल्ली में। ऑक्सीजन का शॉर्टेज होना और वायरस का इतना रैपिड राइज होने की वजह से पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम पूरा वीकनेस पड़ चुका है। इंडिया का कैपिटल और बाकी शहरों में जो कोरोना वायरस का डिवास्टेशन लहर चल रहा है, प्लस ऑक्सीजन का जो शॉर्टेज के साथ जो जूझने पड़ रहा है, जिसका कारण बहुत सारा का जान जा चुका है। ये ट्रेजेडी लास्ट वीक का काफी सारा शहर का मेजर हॉस्पिटल में आ रहा है कि बार बार ऑक्सीजन कमी होने की वजह से वहाँ पे पेशेंट्स का डेथ हो रहा है, जैसे कि दिल्ली और हरियाणा नॉर्थ में, वेस्ट में महाराष्ट्र और गुजरात, और सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, सभी को ऑक्सीजन का कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर देखा जाएंगे तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज कंज्यूम ओनली अबाउट 15% ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, लीविंग द रिमेनिंग टू इंडस्ट्रियल यूज। पर इंडिया में सेकेंड वेव की वजह से नियरली अबाउट 75% ऑफ द ऑक्सीजन इज बीइंग सप्लाइड नाउ फॉर मेडिकल यूज। एक्चुअली शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है, और इस टाइम थोड़ा अलग है कि यहाँ पे डिमांड अचानक से बढ़ गया है कोरोना सेकेंड वेव की वजह से, तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स में काफी शॉर्टेज पड़ गया ऑक्सीजन। तो अगर इंडिया का प्रोडक्शन देखेंगे पर डे के हिसाब से, तो इंडिया प्रोड्यूस करते हैं 7,127 मीट्रिक टन पर डे, जो मेडिकल से डिमांड बढ़ गया है वो नियरली अबव 5,500 मीट्रिक टन पर डे के हिसाब से यहाँ पर डिमांड आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या आ रहा है सिलेंडर्स का, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहेगा वो सफिशिएंट नहीं है, देर इज नो सफिशिएंट सिलेंडर्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो इसकी वजह से यहाँ पे काफी सारा ऑक्सीजन का कमियाँ पड़ रहा है। ऑक्सीजन बींग एन इन्फ्लेमेबल गैस टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडेंट, इसको स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में काफी मुश्किलें पड़ते हैं, इसीलिए इसको क्रायोजेनिक सिलेंडर्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इंडिया के पास उतना सारा क्रायोजेनिक सिलेंडर्स नहीं है, जिसके कारण में सारा दिक्कत भी आ रहा है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन थर्सडे ऑर्डर इशू किया है कि कोरोना केसेस बढ़ने के कारण मेडिकल ऑक्सीजन का डिमांड जो बढ़ना शुरू हो गया, के लिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल यूज के लिए ऑक्सीजन बैन कर दिया गया फ्रॉम अप्रैल 22। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए एयरफोर्स को यूज किया, स्पेशल ट्रेन को भी यूज किया। तो यहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्रियल स्टेट लाइक झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की तरफ से ऑक्सीजन भी डाइवर्ट कर चुके हैं मेडिकल पर्पज के लिए। तो यहाँ से भी बहुत सारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जहाँ जहाँ
कंट्रीज में डिमांड है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार जितना भी स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट को जितना भी ऑक्सीजन कैरिंग व्हीकल रहेगा उन लोग को फ्री मूवमेंट यानी कि रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करना चाहिए, और जितना भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को वहाँ पे जितना भी इंटर स्टेट फ्री मूवमेंट देना चाहिए कि ताकि ऑक्सीजन का जहाँ कमियाँ पड़ रहा है वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच जाने के लिए। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफी नेग्लिजेंसी देखा है ये ऑक्सीजन के टर्म में, जैसे कि फर्स्ट वेव में ऑक्सीजन का डिमांड उतना बढ़ गया था फिर भी गवर्नमेंट को 8 मंथ्स लग गया सिर्फ प्लांट का बिड इन्वाइट करने के लिए। तो गवर्नमेंट के द्वारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बिठाने के लिए अक्टूबर में टेंडर फ्लोट करना शुरू कर दिया, जो 169 यूनिट सेंशन हुआ था उसके हिसाब से आज 6 महीना बीतने के बाद भी उसके डेट में ओनली 33 यूनिट्स आर इंस्टॉल एंड 59 यूनिट्स विल बी इंस्टॉल विद इन दिस अप्रैल एंड 80 विल बी इंस्टॉल विद इन में एज पर हेल्थ मिनिस्टर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी नेग्लिजेंसी देखा है, बहुत सारा शहर से ये रिपोर्ट आ रहा है कि बेड की कमियाँ होने से वहाँ पे पेशेंट्स को बाहर वे रास्ते में या फिर एम्बुलेंस में ट्रीटमेंट चल रहा है, ये हॉस्पिटल्स में बेड का कमियाँ होने से वहाँ पे पेशेंट को घुसने तक भी नहीं दे रहा है, और जिसकी वजह से बहुत सारा पेशेंट लाचार और बिना ट्रीटमेंट से ही वो लोग का डेथ भी हो रहा है। और ये जो सेकेंड वेव इतना तेजी से बढ़ रहा है कि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट भी चल रहा है प्लस बेड नहीं होने के कारण ऑक्सीजन नहीं होने के कारण से काफ़ी डेथ हो चुका है, और इतना डेथ हो चुका है कि कंटिन्यूसली वीक भर में वहाँ पे आग कंटिन्यूसली जल रहा है जहाँ पे लाशें जलाए जाते हैं, तो वहाँ पे जगह भी नहीं मिल रहा है कि लाश जलाने के लिए। तो बहुत सारा जगह में ऐसा भी दिखाया गया है कि बहुत सारा स्ट्रीट्स का बाईपास पाथ जो रहता है वहाँ पे भी लाशें जलाया जा रहा है। अपोजिशन पार्टीज का मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी तरीके से इग्नोर करते रहा है कोरोना वायरस को, प्लस इल प्रिपेयर्ड भी था ये कोरोना वायरस सेकेंड वेव के लिए। और जहाँ तक देखा गया तो इलेक्शंस के टाइम में बहुत सारा रैलीज भी चल रहा था, तो ये लोग काफ़ी बिजी भी था इलेक्शंस के टाइम में वेस्ट बंगाल ज़्यादातर, तो वही सब कारण की वजह से भी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा इंडिया को संभाल नहीं पाया ये सेकेंड वेव से। तो ऐसा हालत में भी सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर देशों के लिए एक्सपोर्ट कर रहा था ऑक्सीजन टेस्टिंग किट, लाइफ सेफ गार्ड, लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड वैक्सीन, जिसकी वजह से आज के डेट में ये हालत आने का वजह हम बता रहे हैं अपोजिशन पार्टी। तो यहाँ पे मेडिकल का जो प्रोफेशनल्स है वो काफ़ी तरीके से ये कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च भी चल रहा है, तो इसमें काफ़ी वेरिएंट भी आ रहा है, तो वहीं पे नया कोरोना म्यूटेंट की वजह कोरोना राइज रैपिडली देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो डबल म्यूटेंट था पहले से ही, तो उसके हिसाब से अब जो नया फ्रेश म्यूटेंट देखने को मिल रहा है यूपी वेस्ट बंगाल आसाम की तरफ में, ये ट्रिपल म्यूटेंट जिसकी ज़्यादातर ट्रांसमिशन होने की वजह से ये सारा म्यूटेशन वेरिएशन आते रहता है। तो यहाँ पे जो कोरोना का स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही ग्रेजुअली चेंजेस होते रहता है, जैसे कि ट्रांसमिशन जैसे वैसे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे कोरोना जिस हिसाब से ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है वो नया नया तरीके से अभी चेंजेस आने का देख रहा है। जब ये कोरोना चाइना में डिस्कवर हुआ था उसके बाद में जैसे जैसे फैलते गया उसी हिसाब से कोरोना अब नेचुरल चेंजेस उसका स्ट्रक्चर में चेंजेस आते रहा है, जैसे कि यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये सारा में अपना अपना म्यूटेशन के हिसाब से इसका वेरिएंट है, प्लस उसको नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू इस प्लेट्स ऑफ डिस्कवर। तो इसकी वजह से अब जो इंडिया में मिला है तो ये एक म्यूटेंट है लाइक अ डबल म्यूटेंट, तो यूके के वेरिएंट में आता है। तो अभी जो नया वेरिएशन आ रहा है ये एक यूनिक है और ये वर्ल्ड वाइड में अभी ट्रिपल म्यूटेंट कहीं भी देखने को नहीं मिला था। तो अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमन के ऊपर में, जैसे जैसे कोविड भी उसी हिसाब से रेगुलरली ट्रांसमिट प्लस रैपिडली बढ़ रहा है। तो अगर इंडिया का बात करेंगे तो इंडियन साइंटिस्ट भी काफ़ी रिसर्च कर रहा है ये वायरस जेनोमी के ऊपर में, तो यहाँ पे क्या क्या म्यूटेशन आया है उसके बारे में भी रिसर्च चल रहा है। तो यहाँ पे जो डबल म्यूटेंट है वो काफ़ी शहरों में फैल चुका है, जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सारा जगह में अभी तक का ये डबल म्यूटेंट चल रहा था। तो ये सिचुएशन में वर्ल्ड वाइड के रिसर्चर्स ऑफ इंडिया के ऊपर पूरा फोकस है कि अब ये जो नया वेरिएशन आया है म्यूटेशन के ऊपर में तो ये किस स्थिति तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे इंडियन रिसर्चर्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी एडुकेट फंड भी देना चाहिए, प्लस वो उसको फोकस रहना चाहिए कि अब ये रिसर्चर्स के ऊपर में भी। तो अब ये बढ़ती कोरोना वायरस जो सेकेंड वेव है इसका जो मेन रीज़न है ये है ह्यूमन बिहेवियर प्लस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये काफ़ी फैल रहा है। तो यहाँ पे जो सिम्टम्स रहेगा आपका वो नेचुरल फीवर, कोल्ड, कॉफ और लॉस ऑफ टेस्ट एंड हेयर, और कई तरीके से यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है ज्वाइंट पेन, डायरिया के भी काफ़ी सिम्टम्स आ रहा है। जिसमें ह्यूमन बिहेवियर की बात करेंगे तो यहाँ पे ह्यूमन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना छोड़ दिया, मास्क लगाना भी छोड़ दिया, हैंड सैनिटाइज, और जब बीमारी होता है कोई भी सिम्टम्स आ जाता है तो आइसोलेट करना भी छोड़ देते हैं। तो इसमें रेगुलरली टेस्ट और वैक्सीन भी लगाना जरूरी है। तो आज तक के डेट में 0.9% ही जो ऐसा है वैक्सीन की वजह से
थोड़ा वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आया है, नहीं तो 99% इसका इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे वैक्सीन लगाना बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो यहाँ पे वायरस का इतना तेजी से बढ़ने का रीजन ये भी है कि जितना भी इलेक्शन हुआ, जैसे कि महाराष्ट्र का बात करेंगे 2021 जनवरी में, तो वहाँ पे पंचायत इलेक्शन में बड़ा बड़ा रैली हो रहा था, और वेस्ट बंगाल का रिसेंटली जो इलेक्शन में था वहाँ पे विधानसभा में भी काफी बड़ा बड़ा रैली हो गए थे, और रिलीजियस प्लेसेस लाइक कुंभ मेला में भी काफी आदमी देखने को मिला, जिसकी वजह से कोरोना वायरस काफी बड़ा वो रीजन में भी, और फेस्टिवल्स लाइक होली और सोशल फेस्टिवल्स लाइक मैरिज, ये सारा चीज की वजह से भी ये इंक्रीज रैपिडली हो गया है। तो ऐसा सिचुएशन में अब वैक्सीन लगाना भी बहुत जरूरी हो चुका है। तो यहाँ पे इंडिया में 16 जनवरी से इमरजेंसी के हिसाब से दो वैक्सीन को अप्रूव कर चुके हैं एज पर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें दो वैक्सीन कोविशील्ड जो यूके बेस्ड एस्ट्राजेनिक्स वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड कोवैक्सीन जो मैन्युफैक्चर कर रहा है भारत बायोटेक लिमिटेड। तो ये दो वैक्सीन था जो 45 इयर्स अबव के लिए और फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए। तो अभी तक इंडिया में मोर देन 100 मिलियन वैक्सीन का डोजेस दे चुके हैं फॉर द एज ऑफ 45 अबव और फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए। तो जैसे जैसे ये सेकेंड वेव आ गया तो यहाँ पे ब्राजील को भी क्रॉस करके सेकेंड हाईएस्ट आ गया आफ्टर यूएस जो कोरोना वायरस एक्टिव केसेस में रह गया। तब इंडियन गवर्नमेंट रशिया का स्पुटनिक वी थर्ड वैक्सीन अप्रूव कर दिया अब इंडिया में। सो फ्रॉम फर्स्ट में 18 इयर्स एंड अबव के लिए अब वैक्सीन अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे दो बास्केट में डिवाइड किया गया, सेंट्रल फॉर 50% एंड 50% फॉर द ओपन मार्केट। सेंट्रल अपना रेगुलर बेसिस में वैक्सीन सेंटर्स को सप्लाई करते रहेंगे फॉर द फ्रंटलाइन वॉरियर्स, और जो अबव 45 इयर्स की रहेगा वो लोग के लिए फ्री वैक्सीन दिलाते रहेगा। जो 50% रहेगा वो ओपन मार्केट में आएगा। तो यहाँ पे ओपन मार्केट में जितना भी आपका नॉन गवर्नमेंटी रहेगा, यानी कि किसी की चैनल के थ्रू या फिर स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो मेडिकल का रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटर है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोक्योर कर सकता है। इसमें सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो कोविशील्ड रहेगा उसका प्राइस रहेगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए 400 और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की रहेगा 600, और जो दूसरा वैक्सीन रहा भारत इंफोटेक लिमिटेड का वो वैक्सीन उसका प्राइस रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए 600 और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए 1200। तो ये सारा का सारा वैक्सीन अवेलेबल रहेगा फ्रॉम मे 1st। तो यहाँ बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन के लिए अनाउंस कर चुके हैं फॉर द एज 18-45 के लिए। अगर आप वैक्सीन के लिए रजिस्टर करना चाहेंगे तो ये मिलेगा आपका आरोग्य सेतु ऐप्स में फ्रॉम 28 अप्रैल। तो यहाँ पे ये सिचुएशन की तरफ से काफी हेल्थ केयर के सिस्टम में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, प्लस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहिए, ताकि हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स रहेगा, इक्विपमेंट जो लेटेस्ट मॉडल रहेगा, ये सारा चीज में थोड़ा इन्वेस्ट करके तो ये सारा सिचुएशन के लिए गवर्नमेंट तैयार रहना चाहिए फाइट करने के लिए। तो यहाँ पे जितना भी आरटीपीसीआर प्लस वेंटिलेटर्स और टेस्टिंग इक्विपमेंट्स एंड जो वैक्सीन रहा उसमें ज्यादा मात्रा में इन्वेस्ट करके इसका अवेलेबल करना चाहिए, ताकि ऐसा सिचुएशन ना आए और जल्दी से जल्दी ये सारा रिकवर हो जाए और लड़ने का क्षमता रखे। तो ऐसा सिचुएशन में आप हेल्दी डाइट प्लस यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर कोई किसी को कैसे भी सिम्टम्स आ गया तो उसको सेल्फ आइसोलेट करके रहना जरूरी है, प्लस डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि उसका लाइफ सेव हो जाए। तो यहाँ पे हम लोगों को भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज याद रखना चाहिए, कि जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, हैंड सैनिटाइज करना चाहिए, प्लस मास्क रेगुलरली पहनना चाहिए अगर आप क्राउडेड प्लेसेस में हो तो ये सारा चीज करने से आप सेफ रहेंगे। हम लोग ये सारा देश से सीखना चाहिए कि जो कोरोना फ्री वायरस कंट्रीज रहा है आज के डेट तक, वो कंट्री से सीखना चाहिए कि कैसा हम लोग भी मेंटेन करना चाहें। ये सारा चीज मेंटेन करने से ये सारा देश भी आज तक के डेट में भी कोरोना फ्री कंट्रीज रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे व्हाट कोरोना इज एंड हाउ इट इफेक्ट आवर बॉडी, व्हाट एक्चुअली इज वैक्सीन एंड हाउ इट वर्क्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए जय हिंद।